subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. आप बताएं सर, आप लोग वन बाई वन जिसको अच्छा लगे चैट बॉक्स में लिखना चाहते हो चैट बॉक्स में बताओ, जिसको बोलना चाहते हो जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज बताइए. आप लोग दिल से बताइए कैसा लगा आपको सेशन, जो मैंने आपको पहला दिन इंट्रोडक्शन लिया था और जो आप लोगों के फीडबैक थे कि सर मैं इसलिए आया हूँ, ये सोच के आया हूँ, क्या वो चीज़ मैंने फुलफिल करी. आज की डेट लास्ट डेट है, आज 12 दिन की क्लास हुई है जो आज हम क्लोज कर रहे हैं. क्या लगा, क्या रेटिंग देना चाहोगे आप मुझे, आप बताइए. सर मैं मनीष रिलवल बोल रहा हूँ, और जो मैंने आपसे सीखा है ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया सीखा है, मैंने चीज़ें सारी आपसे जो सीखी हैं बहुत पहले भी सीख रखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे किया जाता है. उनको यूज़ करने का जो बेस्ट तरीका है ना वो आपने सिखाया जाए. जिस तरीके से आपने जैसे वो शेर वाली कहानी हमें बताई थी कि भाई शेर जो है ना वो कभी भी शिकार करने के लिए उसके पीछे नहीं भागता है, वो वेट करता है. तो हमें भी शेर बनने का है कि हमें भी प्राइस को अपने पास आने का वेट करना है ताकि हम स्मॉल एसएल से उस पर अटैक कर सके और बिग टारगेट के लिए. तो ये रियली 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 आपसे सीखा है. और जो आपकी रेगुलर जो ग्रीन कैंडल्स के बाद में रिवर्सल बनना और ये जो चीज़ें हैं ये पहले नहीं सीखी थी मैं. ऑलमोस्ट मैंने अभी तक बताया नहीं, 25 साल से इस बिजनेस में हूँ, लेकिन मतलब रियली अप्रिशिएटेड, मतलब मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ उस चीज़ से कि चीज़ें वही की वही है लेकिन उसे कैसे यूज़ करते हैं वो आपने बताया मुझे, और कैसे किन पिन पॉइंट्स को चेक करके रिवर्सल आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपकी बहुत खूबसूरत जो मतलब बिल्कुल नई चीज़ है, मतलब मैंने आज 25 साल में पहली बार सुनी है, मतलब पहली बार आपसे ये सीखा है. वंडरफुल, तो इट्स वेरी गुड. मज़ा आ गया सर फीडबैक. 25 साल का आपका एक्सपीरियंस, आप लोगों ने इतने लोगों को देखा है, और जब आप ये चीज़ निकल के आते हैं यार आपके पास आने के बाद बिल्कुल ही अलग है, मतलब सोच ही अलग है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल. और जो मैं बार बार बोलता हूँ, लर्न फ्रॉम अ प्रोफेशनल ट्रेडर. मैं इतना टाइम से कैंडल्स पैटर्न्स देख रहा हूँ, लेकिन जो रिवर्सल आपने रिवर्सल पैटर्न्स बताए जिस पे कैंडलस्टिक काम करता है वो बहुत बहुत अमेजिंग है. थैंक यू सो मच सर. वंडरफुल मनीष जी, दिल खुश हो गया मनीष जी. थैंक यू सर, यही मेरा एक्सपेक्टेशन थी इस क्लास से. मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ जो मेरे को पता है, और ये प्योर प्रैक्टिकल है सर, कोई बुकिश नॉलेज नहीं है. जो मैं बार बार बोलता हूँ ना प्योर प्रैक्टिकल, वही चीज़ है. इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और रिजल्ट आपके सामने है, जो दिखाया वो आपके सामने है. थैंक यू मनीष जी, वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू, तो हमको बोलना चाहिए कि आपसे सीखने का अवसर मिला हमको. नहीं सर, थैंक यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने ट्रस्ट किया, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते. और सही बात है, अपन इतनी जल्दी किस पर ट्रस्ट करें, इतना आप खुद कह रहे हो ना 25 साल से इस फील्ड में हो, तब जाके आपको आज लगा कि यार हाँ वाकई में मैं तो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ पढ़ी मैंने, तो वो ट्रस्ट किया इसलिए आपको वो मैं डिलीवर कर पाया. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच जी. कोई और कुछ बोलना चाहेगा? जी सर, मैं कुछ बोलना चाहूँगा. हाँ जी सर बोलिए. बाकी हाँ सर, बाकी आप उनको तो मैंने बताया ही था, मेरा भी पूरा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इसमें अभी, लेकिन जैसे पहले जैसे क्लास में मैंने आपसे सेशन लिया था सारा, उस टाइम तो सर हमसे तो झूठे बोलो बाद मैं ऊपर से निकल गया था क्योंकि मेरा बेसिक में क्लियर नहीं थी कुछ चीज़ें. उसके बाद दोबारा बेसिक चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको लास्ट क्लास दी है उसका जो फीडबैक था वो मैंने आपको आज स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया था. देखो सर ये काफ़ी कितना बेनिफिट हुआ चीज़ को रिविजन करने से. तो मैं तो यही बोलूँ सर बेस्ट है क्योंकि अभी तक मैंने और किसी की ट्रेनिंग नहीं ली है और फर्स्ट ही मुझे आपको अच्छे मिल गया सर. तो फर्स्ट मुझे बेस्ट है सर मेरे लिए जो भी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये मैंने आज प्रॉफिट भी अच्छा कमाया इससे. तो मेरे लिए सर बेस्ट है ये चीज़. तो मुझे लगता नहीं मुझे किसी और के सीखने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है. बस ये बस जो ये दो दिन आपने टाइम बॉम्ब स्ट्रेटजी है, क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी है, बस ये दो स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ, तीसरी स्ट्रेटजी पर काम नहीं करता भाई. आप ऑफिस में रहते हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि सीधे स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी दी है वो सिर्फ ऑफिस वाले बंदों के लिए, जो भैया आलसी है मेरी तरह वो बैठो अपना उस पर आओ. टाइम बॉक्स स्ट्रैटेजी तो इतनी बेस्ट नहीं है ना सर मेरे लिए. पहले उस पर पेपर रेडिंग मेरी 10-15 दिन तो मैंने पर करके देखे भाई सेट बैठ रही नहीं बैठ रही, और वो मतलब इतनी बढ़िया सेट बैठी सर कसम से मजा आया उस स्ट्रैटेजी में. तो दो या तीन रोड लेते अपना काम हो जाता है, अपने पास कुछ है
ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, बच्चों की तरह सिस्टम में बैठने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेटेजी बहुत है। और आपको बताओ, मैं बता देता हूँ बाकी लोगों को, ये जो विश्वा जी हैं, मैं जब दिल्ली वर्कशॉप गया था ना, तो यहाँ पे वो आए थे, तो इनका कुछ डाउट थे दोबारा स्ट्रेटेजी में, तो और कंफर्म करना चाह रहे थे, इसलिए ये इस बैच में दो दिन के लिए आए हैं। अदरवाइज ये पुराने बैच है, तो इनको पता ही है हमारी टाइम बम का स्ट्रेटेजी, इसलिए वो फीडबैक दे रहे हैं ओवरऑल कैसा है अभी तक, क्योंकि दो महीने में जो हो गए वर्कशॉप लेते हुए, तो ये लाइव फीडबैक था आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विश्वा जी। सर मोहम्मद बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद सर बोलिए। सर जितना सोचा था उससे कम से कम 10 टाइम ज्यादा दिखने को मिला और सीखने को मिला। ओके। और इससे पहले भी कैंडलस्टिक को देखता था, बट कैंडलस्टिक एक कैंडल दिखती थी, बट आपके कोर्स के बाद वो हर इमोजीज की तरह हम लोगों को कुछ एक मैसेज दे रही है। सारी दुनिया कुछ और देखती है और हम लोग कुछ और देखते हैं, स्पेशली रिवर्सल के समय और रजिस्टर और सपोर्ट के टाइम। तो वो एक ऐसा बेनिफिट है कैंडल स्टिक को समझने का कि वो अब हमें इमोजीज की तरह देखने लगे, वो तो मैसेज दे रही है, मैसेज दे वो आज तक कहीं पर भी नहीं देखा। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज और पता नहीं क्या क्या चीजें देखती है, बट ये जो कैंडल स्टिक या जो प्राइस स्टिक को समझाने का तरीका वो यूनिक है। और जितने कम अमाउंट में आप कर रहे हैं, लिटरली बता रहे हैं, वो इट्स जस्ट लाइक कि फ्री में आप हम लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ पैसा इसलिए लिया ताकि हम सीरियस रहें, अदरवाइज इसका कोई वैल्यू नहीं। दिल की बात छोड़ ली सर, यही सर देखो, अभी मेरा क्रूड ऑयल आज आपको बताया, क्रूड ऑयल 18 लॉट में काम किया। अब सर आप खुद कैलकुलेट कर लो, मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जो मेरी बैच की फीस है, पूरे बैच की जो फीस है, वो मेरे से क्रूड ऑयल में मैंने अर्न किया। अब आप बताओ, वो वैल्यू मतलब उतना है ही नहीं, वो जस्ट ये है कि मतलब आंख बंद करके आदमी दे सकता है और उससे ज्यादा आपको रिटर्न तो मिल ही जाएगा, बट अमेजिंग है सर रियली। और अब तो जो स्ट्रेटेजी आपने दी है, मे भी हो सकता है कि वन वीक में जब हम लोग पेपर ट्रेडिंग करेंगे, बिकॉज आपने जो बोला हुआ था कि ट्रेड नहीं करना, तो हमने किया नहीं है। उसके बाद सर लगता है कि कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी और को देखने की या सुनने की। परफेक्ट, इट्स अ कंप्लीट। थैंक यू अलन जी, थैंक यू सो मच अलन जी, वंडरफुल फीडबैक, शॉर्ट एंड शोवर, बहुत प्यारा मजेदार, थैंक यू। एनीवन सर, दिस इज तेजल। या तेजल मैम, मैंने दिया बोली कि मैं बात करूं। नहीं नो मैम, आप बोलिए मैम। तेजल मैम प्लीज, आप बोलिए मैम, कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। हां सर, आप जो बोलते हैं ना कि हर बॉल पे सिक्स का नहीं लगता, मेरी लाइफ में ये पहली बार है कि मैंने ये बॉल डाली कि मैं आपका क्लास ज्वाइन करूं और मेरा सिक्सर लग गया। Because I have become confident. मेरी फैमिली में लोगों को लग रहा है कि मैं पगला रही हूं, क्योंकि मैं एक्चुअली चार्ट से अब बात करती हूं कि ये यहां से घूम जाएगा, ये यहां से देना है, यहां से छूट होगा, ये वो। सो दे एक्चुअली थिंक आई एम गॉन मैड, बट दैट्स ओके। बट द ओनली थिंग इज कि मैं एक्चुअली ऑप्शन राइटिंग ज्यादा करती हूं, बिकॉज मार्जिन का इशू नहीं है। बट अब ये क्लास करने के बाद, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव बिल्ट अप इन अस विद ऑल द पेशेंस दैट यू हैव पेयर्ड अस विद, तो मुझे अब वो कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो वो मेरे फेवर में वो ट्रेड चलता है, क्योंकि मैं ऑप्शन राइटिंग कर रही हूँ तो ऑलरेडी 66% मेरे फेवर में होता है। एंड नाउ विद दिस लर्निंग इट गिव्स मी अनदर एज, सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू, यू आर अ फैंटास्टिक मेंटर, एंड प्लीज कीप डूइंग दिस वंडरफुल वर्क फॉर अदर्स आल्सो। थैंक यू सो मच। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, वंडरफुल फीडबैक दे रहे हो मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक सर। मनिंदर सर, अभी क्लासेस लेने के बाद ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा सर कि कोई इतना डीप में बता सकता है बाय हार्ट, क्योंकि स्टॉक मार्केट सर मैंने एक ऐसा देखा है कि जहां पर जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं दे वोंट टेल यू एनीथिंग, कि वो इतना डीप में बताते हैं या कुछ ऐसा सीक्रेट्स बताते हैं, इतना कंसेप्ट में जाते हैं। तो सर अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है 11-12 क्लासेस लेने के बाद भी कि सर इतने अमाउंट में कोई इतना डीप में स्टार्ट आपने किया कैंडल से, काफी बेसिक था, हालांकि कई लोगों के लिए वो नया था, क्योंकि मेरे लिए भी मैंने कभी सर वैसा उस लेवल पे पढ़ा नहीं था, सट्टेबाजी कर रहा था इतने टाइम से और बीच में क्विट भी कर दिया, बट उसके बाद आप तो ज्वाइन किया, आपने बेसिक से सिखा के सर इतना बड़े लेवल तक आप उसको लेके गए, इतने पैटर्न्स ये वो, तो सर ये ड्यूरेशन में जो आपने मटेरियल कवर किया दैट वाज अमेजिंग।
आपने कोई भागने की कोशिश नहीं करी कि 10 दिन में खत्म करना ही करना है, 9 दिन में अच्छा, करना है या ऐसा करना है? इस क्लास की खासियत, सबसे एक ही पॉइंट पूछूं, जो सबसे खासियत थी इस क्लास की वो क्या थी? एक ही पॉइंट, लर्निंग थी सर, और कॉन्फिडेंट जो आपने डाला सर हमारे अंदर, अभी ट्रेड लेने के टाइम पे बिल्कुल डर नहीं लगता, ट्रेड ले रहे हैं वो सर खासियत है, खूबसूरती है। पहले ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट से डर लगता था, मगर लेकिन अभी चार्ट पर पढ़ के कुछ भी ट्रेड लें या कुछ करें तो सर मेरे में एटलीस्ट वो अभी फियर नहीं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू सो मच जी। कोई और? सुबू जी, जी जी जी, ये बहुत सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा है सर जी, आपने जो सीओपी का कंसेप्ट दिया सर जी वो तो बिल्कुल पूछो ही मत, मतलब और कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है सर जी। अच्छा, मतलब अगर किसी और को अगर आप सजेस्ट करना चाहोगे तो उसको क्या बताओगे हमारी क्लास की खासियत, क्योंकि उसको थोड़ा ना पता सीओपी क्या है, तो उसको कुछ ऐसा क्या बताना चाहोगे कि भैया ये एक वैलिड पॉइंट है जिसके बेसिस पे वो बंदा सामने वाला बोल दे हाँ भैया मेरे में भी यही कमी है, मेरे को भी इसलिए जाना चाहिए। सर जी आपका जो ये होमवर्क करवाने का और जो ये तरीका है ना सर जी वो बेस्ट है, सबसे आधा मतलब 75% तो उसी में समझ में आता है क्या गलती कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 100 की एक बात इस पूरे फीडबैक की एक बात जो होमवर्क, और आपको पता होगा होमवर्क में हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, और मेरा कोई रटा रटाया थ्योरी नहीं है, जो आप होमवर्क करके लाए उसी होमवर्क वही मेरा मटेरियल है, वही मेरा इस क्लास का इस बैच का मटेरियल है। आप जितने नेक्स्ट लेवल का होमवर्क करके लाओगे मैं उस नेक्स्ट लेवल तक जाके आपको पढ़ाऊंगा, आप अगर थोड़ा सा लो लेवल पे होमवर्क करके लाओगे तो मैं लो लेवल से आपका स्टार्ट किया, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल सर, बेस्ट पार्ट है सर होमवर्क का सर। होमवर्क, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच जी। कोई और? सर मैं सुबू सर, सर या सुबू सर, टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर योर क्लासेस, बिकॉज़ यू एंड आई एम अटेंडिंग फ्रॉम ऑफिस आल्सो, इट्स लिटिल टफ फॉर मी फॉलो यू, बट फाइनली ऑन द वीकेंड्स आई हैव डन लॉट ऑफ होमवर्क ऑन योर क्लास, ऑन योर क्लासेस आई टुक द स्क्रीनशॉट एवरी स्लाइड सो आई कैन डू सम होमवर्क ऑन द वीकेंड, दैट्स अ वंडरफुल वैल्यू फॉर माय स्टॉक ट्रेडिंग इन टू इंडिया। एंड अभी मैं यूएस पे भी शुरू किया, दो स्टॉक अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ डूजी के साथ अच्छा कमाया मैं। अरे बियॉन्ड मीट में कुछ 150 में लिया, वो 170 पे चले गया, $20 आ गए उस पे मुझे, $20। तो सुबू सर आपसे एक पर्सनल फीडबैक, जो मैंने आपको सिखाया वो मतलब सिर्फ इंडियन मार्केट में, बाहर के मार्केट में भी काम करता है, राइट? या यस सर, एब्सोल्युटली आई हैव सीन मेनी थिंग्स, लाइक मैं बहुत दे चुका है S&P का, वो पूरा ग्लोबल मार्केट का शेयर है वो, तो S&P US का स्टैंडर्ड एंड पूर 500 का, वो करेक्ट 3000 के ऊपर डोज आ गए, उधर से कम 300 पॉइंट गिरा सर, 300 पॉइंट, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक ऐसा बेसिक है जो हम आपको देते हैं इस क्लास में, इस बेसिक के बाद आप जिस मार्केट में जिसमें भी चार्ट बनते हैं ना उसमें लगा लेना, पैसा बन जाएगा। ये ऐसा निचोड़ है, ऐसा नहीं है कि खाली इक्विटी मार्केट में, इंडियन मार्केट में काम करेगा, MCX, COMEX, करेंसी, Forex, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, NCDX, किसी में भी अप्लाई, बिटकॉइन लगा लेना, कहीं भी लगा लेना, ये चीज़ मैंने आपको निचोड़ निकाल के दी है। थैंक यू सुबू सर, थैंक यू सो मच, आपका वैल्यूबल फीडबैक है सबके लिए जी। अरे वाह, ज्योति मैम का फीडबैक आया, हाँ जी जी सर, Sir, are you sharing the slides, sir, for us? Yeah, definitely, definitely, definitely. I will share the slide. Today itself, I will share the my stock selection list and slide and my scanner also. No need to worry about it, okay? And sir, आपने बोला था premium group access का। हाँ जी, वो मैं भी बना दूंगा आपका, WhatsApp में एक group बना दूंगा, जिनमें मिस्टर हमारे जो senior, हमारे जो mentor होंगे वो रहेंगे सर, आपके निशान जी रहेंगे, ठीक है? तो वो आपके group के head रहेंगे,
और वो आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप ये करिए। और दूसरी एक और, अभी हमारी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ टाइम का सपोर्ट का कमिटमेंट दिया तो वो चीज़ तो है ही। अब कल से आप अगर मेरे को लाइव मार्केट में भी चार्ट देना चाहो बिंदास दीजिए, मैं आपको वहाँ पर सपोर्ट करूँगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा, सही बनाया गलत बनाया प्रॉपर तरीके से मुझे चार्ट भेजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है एक हफ्ते बाद कि यार आप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस कर रहे हो या वो एज नहीं आ पा रहा है जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है, स्टिल यू आर मिसिंग दैट एज, एक हफ्ते दस दिन बाद जब आप बोलोगे मुझे बता देना, इंटीमेट कर देना, मैं आपका एक सेशन एक दिन का ले लूँगा, उसमें दोबारा रिविज़न करा दूंगा, जो भी जिसके डाउट्स हैं दोबारा हम कवर कर लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए टेंशन नहीं है, बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना दिया है सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, बाकी भूल जाओ सब चीज़ें, पैसा आपको 100% बना के दिखा दूंगा। स्टिल नहीं बना पाओगे, मैं जिंदा हूँ, टेंशन मत लेना, स्टिल नहीं बना पाओगे, मैं हूँ बैठा हुआ, टेंशन मत लेना, तो बस मेरे साथ जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसा करते जाना, बस हो जाएगा सर, नहीं अपार लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए गुड नाइट गाइस। आपने बोला था, हाँ जी, फर्स्ट में ही बोला था बिलीव ऑन यू, तो फिर उससे बात होती नहीं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ठीक है? चलिए आप सेशन में यहीं पे क्लोज करते हैं, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, आशा करता हूँ आप सब लोगों का दिन अच्छा जाए।